नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूबर्स का नाम है टेक्ट बुक टेक्निकल और मैं आपका हूं आपका दोस्त सार्थक सिन्हा हाँ मानता हूं वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है लाइक बहुत ज़्यादा समय हो गया मेरा चैनल इनएक्टिव है बहुत ही ज़्यादा दिनों से बट ठीक है यार सपोर्ट ना मिले तो भी बंदा थक जाता है बट ठीक है यार आज की आज का टॉपिक पे अप, अपन फोकस करते हैं जो कि है कि अपन कैसे फार लाइट लाइट कर रहा हूँ एल डी प्लेयर में हम जो भी गेम्स डाउनलोड करते हैं ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उसकी डेस्कटॉप आइकन्स कैसे बनाएं लाइक तुम अगर तुमने आ, ब्लू स्टैक्स यूज़ करा होगा फोर फाइव तो तुमने उसमें देखा होगा कि आ, जो हमारा मतलब जो हमारा ये होता है ना प्लूस्टैक में अगर हम कोई ऐप गेम डाउनलोड करते हैं तो उसका डेस्कटॉप आइकन बन के हमारे डेस्कटॉप पे आ जाता है ठीक है बट एल डी प्लेयर में ऐसा नहीं होता है ठीक है आ, एक डेस्कटॉप आइकन नहीं बनते हैं ठीक है तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बना सकते हैं लाइक ये ट्रिक मैंने खुद फाइंड करी है जो कि मैंने कल ही यहाँ पर अपलोड कर दी थी तेईस घंटे पहले बट अभी तक ये अप्रूव नहीं हुई है अप्रूव होते ही यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा बट इसके ऊपर एक वीडियो भी आई बनती है तो इसलिए एक वीडियो भी ले आया हूँ शायद से इस टॉपिक पर किसी ने बात करी भी होगी आई आई डोंट थिंक ये ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पर है इसके ऊपर बट ठीक है हम अपन बनाते हैं तुम जैसा कि देख सकते हो मेरे एल डी प्लेयर में ये गेम है फार लाइट ठीक है और इसका एक प्यारा सा डेक्सटॉप आइकन तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक है और मैंने इसको जैसे ही क्लिक करा हमारा एल डी प्लेयर खुल गया ठीक है और तुम देखो यहाँ पर भी ये उसका ही आइकन बना हुआ आ आना तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है देखने में काफ़ी शो मतलब शो ऑफ करने में भाई अपन को अच्छा लगता है हाँ भाई ये गेम अपारे हमारे पीसी में इंस्टॉल्ड है हम इसको खेलते हैं ठीक है अच्छा लगता है दिखाने में तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और देखेंगे कि कैसे आइकन्स आग क्रिएट कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने इसका पहले से ही बना रखा है लेकिन अब हम ट्राई करते हैं फ्री फायर का ठीक है तो मेरे पास ही ये ऐप है फ्री फायर बट इसका कोई भी ऑफ आइकन यहाँ पर नहीं है तो स्टेप नंबर वन क्या है कि सबसे पहले एल डी प्लेयर के फाइल लोकेशन में जाओ ठीक है फाइल लोकेशन में जाने के बाद तुमको मिलेगा ये डी एन प्लेयर इसका एक प्यारा सा डेस्कटॉप क्रिएट कर लो शॉर्टकट ठीक है शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद तुमको ये रहा ये शॉर्टकट तुमको इसको कट कर लेना है और कट uh, करने के बाद अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दो पेस्ट कर दिया ठीक है पेज कर दिया इसको खोलेंगे तो तुम देखो भाई यहाँ पर भी एल डी प्लेयर ही खुल रहा है बट यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ पर कट कर दें तो इसको अब खोलेंगे ना तो एल डी प्लेयर खुलेगा बट यहाँ पर वो आइकन ना शो कर रहा है और ना यहाँ पर भी वो आइकन शो कर रहा है ठीक है लेकिन एल ले पर खुल रहा है तो ये काफ़ी अगली देखने में लगता है यार मतलब ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी नहीं है है ना तो इसको अपन अभी ठीक करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टेप नंबर वन यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट आइकन क्रिएट कर लिया स्टेप नंबर टू अपन जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखते हैं फ्री फायर लोगो सर्च कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे इमेजेस पर ठीक है अब तुम देखोगे जैसा कि अपन को सा इमेज यहाँ पर उठा लेता है जो कि फ़्री फायर के यहाँ पर एक मतलब जो फ्री फायर ऐप लोगो देखते हैं कुछ मिल जाए ये कोई मिल गया ठीक इसको अपन यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं सेव इमेज कर लेंगे और अभी के लिए इसको हम डेस्कटॉप पर कर लेते हैं ठीक है हमने यहाँ पर इसको डेस्कटॉप टॉप पर कर लिया है बस ठीक है अब तुमको इस साइट पे जाना है आइकन कन्वर्टर डॉट कॉम यहाँ पर आ जाते हैं हम ये लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ करेंगे चूज़ फाइल और अभी जो हमने यहाँ पर आइकन इमेज डाउनलोड करा है ना पी फॉर्म ये रहा ये ये पी फॉर्म इसको अपन यहाँ से ओपन कर लेंगे तो हमने यहाँ पर ये चूज़ कर लिया है इसको यहाँ से इसको ऐसे छोड़ देंगे कुछ टच नहीं करना है यहाँ पर जस्ट कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है हमने कन्वर्ट कर लिया है अब ये आ जाएगा अब इसको तो तो तुमको ऐसी जगह पर इस आइकन वाले फ़ाइल को सेव करना है जहाँ पर तुम कभी भी इस फाइल को डिलीट ना करो तो अभी के लिए मैं इसको को सेव करता हूँ म्यूज़िक में ठीक है एग्जाम्पल के लिए सेव कर लिया डॉट आई सी ओ के नाम से आ चुका है फाइल ठीक है अब देखो क्या करना है अब ये हमारा जो हमने शॉर्टकट क्रिएट करा था ना इसको लेंगे और उसके बाद सिंपली जाएंगे ऑप्शन में यहाँ पर आएगा प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ जाएंगे आई आए, चेंज आइकन पर अब यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे और म्यूजिक पे आके जो हमने आइकन पैक करा था ना वो इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ओके करके अप्लाई कर देंगे अब देखो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर फ्री फायर का लोगो बन चुका है अब करो भाई ये डीएनए एन अरे यार सिंपल सी बात है इसको रीनेम कर लो यार इसको भी तुम यहाँ पर रिलिप्ट फायर लिप्ट के ख़त्म काम हो गया लो तुम्हारा आ गया फ्री फायर का एल टी लोगों अब क्या चाहिए बताओ शॉर्टकट अब बोलो भाई ये होती है तो सेम ही है हाँ बट सेम है बट अगर इसको खोलते हैं अपन तो यहाँ पर फ्री फायर का लोगो ही शो करेगा लेकिन एल डी मेरी खुलेगा ठीक है अब हम ऐसे मल्टीपल कैसे बना सकते हैं मतलब जैसे मैंने दो बनाए हैं ठीक है थीके? सिंपली बस तुम्हें वही सेम चीज़ करनी है फाइल लोकेशन में जाना है इसका फिर से एक डेस्कटॉप क्रिएट uh, शॉर्टकट uh, तुम्हें इसको यहाँ पर कर लेना है फिर उस शॉर्टकट को तुम्हें यहाँ पर आके पेस्ट करके फिर तुम्हें ये रहा इसका फिर तुम्हें यहाँ से उस पर्टिकुलर ऐप का जैसे कि मैं तुमको यहाँ पर ये यह बहुत दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा uh, ब्रेफ लोगों कर मैंने यहाँ पर कर दिया मैंने यहाँ पर इस ब्रेव लोगों को लिया सिंपली मैंने यहाँ इसको सेव इमेज कर लिया डेस्कटॉप पे एग्जांपल के तौर पर कर लिया फिर हम आइकन कंप्यूटर पे आ, एक मिनट जो ये हमारा लोगो सेव नहीं हुआ बट है दोबारा कर लेते हैं इसको हमने इसके यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने इस पर यहाँ पर डॉट पी के नाम पर कर दिया ऐसा एयर आए तो आप यहाँ पर जाएंगे चूज़ फ़ाइल करेंगे और हमारे डेस्कटॉप पे आएंगे डेस्कटॉप पे आने के बाद एक मिनट रुक तो जाओ सेव ना हो रहा लगता है ये अब तक फ़ाइल दो मिनट जाओ डेस्कटॉप पे आएंगे यहाँ पर सारे से शो नहीं कर रहा है यार बट इसको इस पर सारे से ट्राई करते कन्वर्ट करने का तो यहाँ पर हमारा आ चुका है इसको भी डेस्कटॉप डेस्क टॉप पर एग्जाम्पल रख लेते हैं ये हमारा ऐसे फाइल हो चुका है बट डाउनलोड डी पे पर और यहाँ पर आएंगे प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे और इसको यहाँ पर चेंज आइकन कर देंगे यहाँ पर ये यह कर देंगे ब्राउज और तुम फिर से डेस्कटॉप पे आएंगे और हमारा ये रहा ब्रेफ का ये कर देंगे और ये हमारा फुल गया और ये हमारा हो गया और ये हमारा आ चुका है ब्रेफ का लोग सिंपली इसको रीनेम कर लेंगे और ये हमारा काम हो गया सिंपल है. कितना ईजी है ये करना लाइक like, लिटरली कितना ईजी है हाँ बट एल डी प्लेयर को इस फंक्शन को मतलब इस फीचर को अपने एम्यूटर में इंप्लीमेंट करना चाहिए ये तो एक टेम्प्रेरी तो भाई एक टेम्प्रेरी चीज़ है बट हाँ एल डी प्लेयर को ऑफिशियली इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाहिए बट कोई नहीं हमने ये फिक्स कर दिया है भाइयों तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो और मुझे बताओ कि ऐसी अच्छा अचानक भयानक वीडियोस तुम्हें कैसी लगती है कि भाई ये ट्रिक सिर्फ मैं लाया हूँ बाय सार्थक सेना बाई टेक्निकल टे, इसका ऑफिशियल तो मेरे यहाँ पर ये रहा हमारा जब ने आप क्रिएट कर रहा है पोस्ट तो मिल जाएगा अगर अपलोड होता है तो बाक़ी तो ये वीडियो है ही तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज हैव अ ग्रेट डे